जो दिख रहा है आपको ये लौकी है, और ये लौकी इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। ये लौकी ऐसे बड़े हो गए थे क्योंकि जब ये लगे थे और फिर पता नहीं चला तो सब्जी बनाने के लायक जब नहीं रहे थे तो हमने इनको काटा नहीं था और तोड़ा ही नहीं, पेड़ से पेड़ पे लगे रहने दिया। अब इन पे मिट्टी लगी हुई है और इनको तब तक पेड़ पे लगे रहने दिया जब तक पेड़ पूरी तरह से सूख नहीं गया था। अब पेड़ पूरी तरह से सूख गया, अब मैंने इनको हटा के अलग कर लिया और आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं, पूरों में बीज भरे हैं। मैं आपको उनके बीजों की आवाज़ सुनाती हूँ, इस तरीके से बीज भरे हैं। ये ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे फट गया। अब इनमें से बीज निकाल के दिखाए अंदर से तो किस तरीके से बीज निकलता है। मेरे पास ये चार है, इनमें से एक छोटा है और ये तीन बड़े हैं। इनको मैंने अलग भी नहीं कराया अभी तक, इसको भी इधर रख देते हैं। और ये वाला है, इसको भी नहीं तोड़ेंगे, ये भी टूटा हुआ नहीं है और ये भी बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है। इनको अलग नहीं करेंगे, इनमें बीज है ना, वो बीज है, वो नेचुरली में स्टोर है और वो ख़राब नहीं होगा। अब अगर ये बारिश में भीगते हैं तो इसके अंदर पानी नहीं जाता है क्योंकि वाटरप्रूफ है एक तरीके से, तो ये बीज ख़राब नहीं होने वाले। तो इसको तो हम अलग से रख देंगे और इसको तोड़ के देखते हैं कि इसमें किस तरीके से बीज निकलते हैं। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये देखो इसका जो ये कवर है ना, ये कितना हार्ड है, इस तरीके से देखो कितना हार्ड कवर है इसका। इसको तोड़ के देखते हैं कि इसमें किस तरीके के बीज निकलते हैं। अगर टूट नहीं रहा आसानी से तो इसको खींच खींच के तोड़ेंगे। अब इसमें देखो ये इतना बड़ा दिख रहा है, दिखने में इतना बड़ा है लेकिन इसमें से बीज कितने गिनती के बीज निकले हैं पूरी तरीके से। इसमें देखो आप कुछ ही बीज निकलेंगे, ज़्यादा बीज नहीं निकलेंगे। और ये बीज है पूरी तरीके से पूरे उगेंगे जब हम इनको लगाएंगे। देखो कुछ ही बीज निकले हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा भरा हुआ निकला है, खाली रहता है ये। और ये इस अंदर से इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इनमें कुछ बीज है देखो यहाँ पे। तो जो लौकी का बीज रीस्टोर करते हैं यानी कि जो मार्केट से हम बीज खरीदते हैं वो भी इस तरीके से ही निकलता है, तभी लौकी का बीज है ना बहुत महंगा मिलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे 40-50 रुपये का सिर्फ कुछ ही दाने कुछ ही बीज आते हैं, 8-10 बीज ऐसे आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे देखो इस तरीके से बीज लगते हैं इनमें। इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बीज है लेकिन ये पता नहीं अंदर से यहाँ से क्या हुआ इसमें, तो इसमें पानी घुस गया। अब इनको जैसे ही हटाएंगे ना यहाँ पे तो इन बीज बीज निकलेंगे। देखो देखो यहाँ पे इनमें बीज है, इसको हटाते हैं यहाँ से, इनमें बीज बीज भी रहे हैं। इसको तोड़ेंगे जैसे इसमें बीज निकलेंगे। ये देखो एक लौकी में, इतने बड़ी लौकी में सिर्फ इतने बीज निकले हैं, मैं गिरा के दिखाती हूँ आपको, इतने से बीज निकले हैं एक पूरे लौकी में और ये पूरी तरीके से खाली है। इसमें पानी भरने का काम ले सकते हो, तो पानी भर के रख दो। और ये इसका कवर देख सकते हो, लौकी का कवर कितना हार्ड होता है, जब हम सब्जी बनाते हैं तो कितना सॉफ्ट होता है, छोटा होता है। इसमें अब और बीज निकलेंगे कुछ, यहाँ पे अच्छे पड़े हैं, पूरे बीज निकाल लेंगे और इस बार फिर लगाएंगे। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंडियन फार्मर को। और इन बीजों को तो मैं साफ करके रख लेती हूँ। अब एक के जो लौकी है जिसमें बीज रिस्टोर करा उसमें सिर्फ इतने से बीज निकले हैं, अभी इनमें कचरा भी है तो इसको साफ करेंगे। लेकिन इसी तरीके से एक ये वाला लौकी है, इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे कैसे रख लेंगे। और ये जो वाला लौकी है इसको भी नहीं तोड़ेंगे, इनको भी ऐसे कैसे रख लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तोड़ के बीज निकालेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो इनको बीज नहीं निकालेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेंगे इनको, क्या पता कि नेक्स्ट टाइम अपने पास बीज हो या नहीं हो। आगे इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप इंडियन फार्मर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोज को लाइक करो और चैनल को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।